अब मुझे लगना शुरू हो गया कि हाँ अब मैं अपनी आंखों को बचा पाऊंगा, वरना मुझे लग रहा था कि भाई कुछ ही दिन में ये काला चश्मा पक्का ही ना हो जाए लमा। यार आज अम्मी ने क्या मज़ेदार किस्म की शनवारी स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाई थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए मेन चैनल पे तो मुझे आज कमेंट में बताना, तो फिर इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा जायज़ा लगाते हैं। खा के ना ऐसे जिस तरह रंजा नहीं, जिसमें बंदे राशि हो जाता। खैर अस्सलाम वालेकुम शपै गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरएचएस एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। एक छोटा सा मसला मेरे साथ कुछ दिन से हो रहा है, छोटा नहीं है बड़ा मसला है, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। अच्छा पहले मेरा ये पूरा सेटअप जो है ये ऊपर पड़ा होता था मेरे स्टूडियो में, लेकिन जब मैंने इसको नीचे यहाँ शिफ्ट किया तो मसला ये हुआ, ये वाला टेबल था मेरे पास, ये यहाँ पड़ा होता था और ये स्क्रीन जो है इस टेबल के एज पे मैंने रखी होती थी इस तरह पीछे, और मैं टेबल से इस स्क्रीन से, ये 30+ इंच स्क्रीन है, इससे तकरीबन इतना दूर बैठ के काम करता था। और कुछ ही दिन में मुझे लगने लग गया था कि भाई मेरी आंखें जो है ना वो जवाब ना दे जाएं। अच्छा जब मेरा सेटअप यहाँ पे पड़ा हुआ था तो मेरी स्क्रीन जो है वो यहाँ होती थी और यहाँ पे मैं कितनी भी दूर बैठ सकता था, मतलब मैंने यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ था जिस पे मैं कीबोर्ड रख लेता था और यहाँ पे स्क्रीन होती थी इसके एंड पे, और इतने फासले पे यहाँ मैं बैठ के एडिटिंग करता था तो वो स्क्रीन मेरे से बहुत दूर हो जाती थी। तो मैंने ये दूसरा टेबल मंगवाया, अब स्क्रीन इस पे है और मैं खुद ये दो टेबल अटैच किए, यहाँ पे कीबोर्ड है, यहाँ बैठता हूँ। तो पहले मैं स्क्रीन से इतना दूर होता था, अब मैं स्क्रीन से इतना दूर बैठता हूँ। तो अब मुझे लगना शुरू हो गया कि हाँ अब मैं अपनी आंखों को बचा पाऊंगा, वरना मुझे लग रहा था कि भाई कुछ ही दिन में ये काला चश्मा पक्का ही ना हो जाए अल्लाह माफ करे। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की उसमें मैं और नदीम एक बात कर रहे हैं मास्क के ऊपर, मैं पहले आपको वो बात सुना देता हूँ। भाई मास्क में 3 क्लासेस, अच्छा ए बी सी, यानी कि हाई मीडियम लो, अच्छा ये हाई है ये मीडियम है और लो वो जो पठानों से मिलते हैं। भाई मैं पहले मीडियम ही लगाता हूँ। तो इस बात पे मैंने ये कमेंट्स के अंदर नोटिस किया कि लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत समझे कुछ लोग, कि हमने ये बात की है कि ए बी सी क्लास होती है मास्क के अंदर और सी वो होती है जो पठानों के पास होती है। तो कुछ लोगों को लगा कि हम ये कह रहे हैं कि सी क्लास वो होती है जो पठान पहनते हैं, तो एक दो कमेंट भी थे कि पठान सी क्लास यूज़ करते हैं आपने ये क्यों कहा। हमारा ये मतलब बिल्कुल नहीं था भाई, हमारा ये मतलब था कि सी क्लास इस तरह से कहा है कि वो बिल्कुल देसी वाले मास्क होते हैं जो पठानों के पास होते हैं, मतलब जो पठान बेचते हैं, क्योंकि वो मास्क बिल्कुल एक सिंपल से कपड़े से बने होते हैं और शायद उसका कोई फ़ायदा भी ना हो। तो उस सेंस के अंदर नदीम ने ये बात की थी, ना कि ये कहा था कि पठान सी क्लास यूज़ करते हैं। भाई पहले ही सोशल मीडिया पर बहुत हेट है और ज़्यादा फैलाने में इस काम में मदद मत करो, चीज़ों को पॉजिटिवली सोचा करो। शपैकी को नहाए हुए बहुत दिन हो चुके हैं और ये अब थोड़ी सी ना ज़रा मैला बच्चा बन गया, जिस तरह इसके पाँव के नीचे मिट्टी चिपकने लग गई। ओए ओए जाना नहीं है, शपैकी नहाने का टाइम है बेटा। पहले मैं शपैकी को नहलाता था इधर इसके ऊपर शावर से पानी डाल के, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो मुझे किसी ने बताया कि इसके नीचे बिठा के, लेकिन इसके नीचे तो बहुत कम जगह है यार। छिपकली यार, इनको नहलाने में बंदे की अपनी बस हो जाती है। अगर आप में से किसी ने बिल्ली बिल्ली रखी हुई है तो मुझे सबसे आसान तरीका बताओ कि जिसमें ये बहुत तंग करती है नहाते हुए, किस तरीके से इसको नहलाया जाए तो ये बड़ी खुशी खुशी नहा लेगी। शपैकी आजा बेटा, ड्रायर से तेनू तनु में खुश्क करा, बारा आजा, शाबाश।
आ जा भी। ये वाला जो ब्रश है ये आया मेरे लिए था, लेकिन मैंने कहा ये मैं रखूँगा शपैकी के लिए, और शपैकी को हर दो तीन दिन बाद, मैं एक दो दिन बाद इससे ब्रश करता हूँ। तो अभी ये नहा के तकरीबन काफ़ी हद तक सूख चुकी है। अभी मैंने इसका आज मुँह नहीं धोया इसका आज। चलो बेटा कंघी करवाओ, मानो बिल्ली कंघी करवाओ, शाबाश। आज ये मस्करी बहुत तंग कर रही है। वैसे इनको आदत होती है अपने आप को खुद ही, ये ना जा, ज़्यादातर ये फारिक टाइम में अपने आप को खुद ही चाट के साफ करती रहती हैं। इनका सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है, ये पूरा ब्रश इसका अभी बालों से भरा हुआ है। बस इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आपके घर में बिल्ली है तो आपको पता होगा घर में हर जगह इनके बाल उड़ते फिरते नज़र आते हैं, लेकिन एक पेट लवर के लिए ये इस पर कंप्रोमाइज़ करना थोड़ा सा ना बनता है, समझा करो। ये ख्वाब भी एक ना एक दिन पूरा होगा। खैर आप लोगों को अगर नहीं पता तो आपका भाई बाइक्स के मामले में इतना बड़ा क्रेज़ी इंसान है बचपन से, कि मतलब अगर मेरे पास एक बाइक गुजर जाए तो मैं वहाँ कुछ देर के लिए ब्लैंक हो जाता हूँ। खैर ये इस बात को तो ज़रा साइड पे रखते हैं, ये मेरी यूट्यूब पे बाइक्स वाली वीडियोस भरी जाती हैं। आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कहाँ से मिलेगा। जो मेरा मेन चैनल है उसके लिए तो मैं म्यूज़िक लेता हूँ एपिडेमिक से, उस पर $20-21 में मंथली उनको पे करता हूँ, और उस पर अन्य वाह बेहतरीन म्यूज़िक मुझे मिलता है। लेकिन जो मेरा ये दूसरा चैनल है शपैक गैंग, इसके लिए भी मैंने एपिडेमिक लिया नहीं है। तो मैं जहाँ से शुरू में भी म्यूज़िक लेता था और जहाँ से मैं अब इस चैनल के लिए म्यूज़िक लेता हूँ, वो तीन चैनल्स हैं जो मुझे म्यूज़िक के हिसाब से पसंद हैं, और आपको फ्री किसी भी किस्म का म्यूज़िक मिल जाएगा। एक चैनल ये नॉन कॉपीराइट साउंड, ये अगर आपको चैनल पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और NCS इसका, इस तरह से आपको हर थंबनेल इनके म्यूज़िक का इस तरह का मिलेगा। तो इस पे आपको इस तरह के म्यूज़िक मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा बीट्स होंगी, बहुत ज़रा फास्ट टोन में होंगे, और कुछ में लिरिक्स भी होंगे। तो इस पे ज़रा फास्ट म्यूज़िक वालों का टेस्ट जो है वो NCS है, ये नॉन कॉपीराइट साउंड। दूसरा है व्लॉग नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक, इस पे आपको ज़रा बीट्स वाले और ज़रा माइल्ड, ज़रा वाइल्ड, हर किस्म के, सिर्फ ये व्लॉग के लिए, ये वाला चैनल पूरा व्लॉग म्यूज़िक के लिए। तो दूसरा चैनल ये है, ये आप यहाँ पर लिखा हुआ देख लो, व्लॉग नो कॉपीराइट म्यूज़िक। तीसरा चैनल है ऑडियो लाइब्रेरी म्यूज़िक फॉर द कंटेंट क्रिएटर्स। ऑडियो लाइब्रेरी पे आपको सारा म्यूज़िक मोस्टली जो है वो मिलेगा, ज़रा माइल्ड किस्म का, ज़रा ऐसे ना नरम पोला पोला सा म्यूज़िक, और कोई थोड़ा बहुत सिनेमैटिक के लिए। तो ये तीनों चैनल्स हैं जिनसे मैं अब म्यूज़िक लेता हूँ अपने इस वाले चैनल के लिए। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो मस्ट लाइक, मस्ट सब्सक्राइब, कमेंट करना कुछ भी दिल करे, और भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।